रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक वीडियो क्लिप सामने आया जी, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का हरम शरीफ से यानी कि मक्का के सहन से, मैं आपको यहाँ पर अभी एक आध पिक्चर भी शायद दिखा रहा हूँ और ये वीडियो क्लिप सुना भी देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा था ये क्लिप देखने के बाद, वो क्यों पढ़ रहा था कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि दोबारा से कुछ मसाइल रिपीट नहीं हुए हैं। जैसा कि आपको पता है जी, जब कुछ यानी कि एक डेढ़ माह पहले की बात है, हुकूमती वक्त पहुँचा था मदीना शरीफ में और वहाँ पर अवाम की तरफ से क्या रद्द अमल सामने आया था। बहरहाल उसके मुतालिक हर बंदे की अपनी राय थी जी, और बहुत से बंदों का यही राय थी कि मदीना शरीफ यानी कि सहन के अंदर ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, ऐसा शोर नहीं करना चाहिए था। हर बंदे के बारे में उसके मुतालिक अपनी राय थी, और अभी ये वीडियो क्लिप जो अभी मैं आपको यहाँ पर सुना भी देता हूँ और इसके मुतालिक बता भी देता हूँ। मैंने जब ये देखा है तो मुझे खुशी हुई है जी। ये देखने के बाद खुशी क्यों हुई, ये आप यार क्लिप देख लें, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे। आपने देख लिया है बाजवा साहब के साथ लोग सेल्फी बना रखे हैं, और आगे से आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। ये माशाल्लाह एक बहुत अच्छा अमल है जी, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा, हर पाकिस्तानी को करनी चाहिए। अच्छा, आर्मी चीफ वहाँ पर मौजूद थे जी, इस वक्त अभी भी मौजूद हैं, हज की सआदत के लिए, हज करने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। अभी हज कम्प्लीट हो चुका है आपको पता है जी, और अभी आज यानी कि शैतान को कंकरियाँ भी मारी जा चुकी हैं, और जो सऊदी अरब के अंदर से भाई हैं वो आज अलविदाई तवाफ करके वापस भी जाना शुरू हो चुके होंगे। तो आर्मी चीफ भी जल्द पाकिस्तान में पहुँच जाएंगे, लेकिन आपके साथ ये वीडियो क्लिप शेयर करने का सिर्फ मेरा मकसद ये था कि कहीं एक तरफ वो क्लिप और एक तरफ ये क्लिप, अभी इसके मुतल्लिक हर बंदे की भी अपनी राय होगी भाई। मैं कुछ नहीं बोलूंगा इन दोनों क्लिप से, यानी कि जो पहले मदीना शरीफ में वाकई पेश आया हुकूमती वक्त के साथ, आपकी क्या राय थी इन क्लिप्स के मुतल्लिक, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।